ਕੁੱਤਾ ਜਾ ਕੋਈ ਗਏ ਜਲ ਜਲਦਾ ਰਾ ਨਵੀਨ ਨਵੀਨ ਮਹਾਸਾ यार क्या हो गया आपने तो मेरे ससुराल में आके चिल्लाना शुरू कर दिया यार नबील मैं सोच रहा था कि आज हम लाहौर घूमने चलते हैं सब अरे वाह महमूद साहब वाह आपने मेरे मुंह की बात छीन ली आज मैं खूबसूरत से यही कह रहा था अरे चल फिर तू भी क्या याद करेगा आज तू हम सबको घुमाने लेकर जाता अब तबाह करे महमूद साहब बाहर बहुत गर्मी है हवा भी चल रही है लू चल रही है लू मैं आराम से जाके ना एसी वाले कमरे में सोता हूँ अरे लेकिन अभी तो तुम खुश हो रहे थे भाई और यार मुझे क्या पता था कि आप ये मेरे ऊपर डाल देंगे मैंने तो ये सोचा था कि आप खर्चा करेंगे देखो नबील हम तुम्हारे ससुर के मेहमान हैं असूली तौर पर तो तुम्हारे ससुर को हमें घुमाने लेकर जाना चाहिए अरे हाँ यार चले फिर पापा जी से बात करते हैं चल के वो जो चल कर हम पापा जी से करेंगे वो बात होगी हाँ जी तो जाओ ना करके आओ आप ही चले बेताब बोले बबलू मैं कितना खुशनसीब हूँ कि मुझे तुम जैसी हसीन बीवी मिली और मैं भी कितनी खुशनसीब हूँ बबलू कि मुझे आप जैसा अमीर आदमी मिला सच मच पापा जी तो इसको कह दो कि मैं सो रहा हूँ मैं बेहोश हो गया बल्कि कह दो कि मैं मर गया पापा जी कहते थे बड़ा नाम करेगा नहीं जी नहीं जी ये वो सो रहे अचानक बेहोश हो गए फिर मर गए मेरा मतलब है ये सो रहे हैं ओ पापा जी उठे ना यार चले हमें उठ के लाहौर घुमाए पापा जी उठे ना पापा जी नबील बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं तुम लोग खुद ही चले जाओ अरे ऐसे कैसे चले जाएंगे पापा जी हमारे पास तो पैसे ही नहीं है हाँ तुम उससे ले लो ना ये लो 5,000 जाओ और अय्याशी करो थैंक यू पापा जी थैंक यू ओ पापा जी इतना नमक जोड़ते हैं आप थैंक यू वेरी मच पापा जी अब आप एंजॉय द लाइफ करें आओ सासू मां नहीं 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 ये अच्छा पापा जी ओके बाय अरे भाई आ जाओ ना देर हो गई ये इस वक्त किसका फोन आ गया है हेलो महमूद हाँ हाँ महमूद ओए महमूद बोल रहा हूँ हाँ जी मैं सुन रहा हूँ आप कौन अरे बोल तो रहा हूँ महमूद अरे महमूद के अलावा भी तो कुछ बोलो भाई अरे यार मैं तुम्हें महमूद के अलावा क्या बोलूँ कोई और भी नाम है तुम्हारा ओ भाई आप बोल कौन रहे महमूद अरे ये क्या मेरी आवाज मुझे ही पलट कर आ रही है बार बार महमूदी महमूद बोल रहा हूँ मैं महमूद अख्तर कैनेडा वाला अरे महमूद अरे कैसे है तू कब आया कैनेडा से बस कुछ ही दिन हुए हैं सोचा तुमसे कराची आके मिल लूं लेकिन मैं तो कराची में हूँ ही नहीं फिर कहाँ अरे कराची वाली अपनी सारी जायदाद बेच के लाहौर शिफ्ट हो गया हूँ ये तो और भी अच्छा हो गया अबे मैं लाहौर में ही हूँ और चल मेरे टिकट का खर्चा बच गया तो मेरे शहर ही आ गया लाहौर में कहाँ है मैं तो डिफेंस में हूँ अरे मैं भी डिफेंस ही आया हूँ अच्छा अरे तो फिर आना किसी टाइम मिलने अरे तू फिकर ना कर मैं 10 मिनट में पहुँचा तुम्हारे पास अच्छा हाँ एड्रेस बता लिख बल्कि तू याद ही कर लेना यार बहुत आसान है खूबसूरत के पापा का नया घर डिफेंस लाहौर ओके बाय हुआ महमूद साहब यार नबील मेरा एक बहुत ही पाटा पुराना दोस्त महमूद अख्तर मुझे मिलने आ रहा है यहाँ क्या हाँ ओ यार गोली मारे दोस्त को उन्हें बोले कल आ जाए यार लेकिन वो तो अभी आ रहा है ओ यार महमूद साहब एक तो आप भी ना पुराने दोस्तों को मुंह की लगाते हैं यार मुझे देखे मुझे मैं गरीब और पुराने दोस्तों को पहचानता तक नहीं हूँ अरे मेरा दोस्त गरीब नहीं है करोड़पति है करोड़पति है अरे कनाडा में उसका अपना बिजनेस है लाहौर में हवेली है और 4 गाड़ियां हैं उसके पास तो यार फिर हम टैक्सी में ख्वार क्यों होंगे क्या मतलब अरे महमूद साहब आपका दोस्त आ रहा है ना उसे कह हमें लाहौर घुमाए हमारे 5,000 रुपए बच जाएंगे ओ ये ठीक है कितनी देर में आ रहे महमूद अंकल यही बस कोई 10 मिनट में आ रहे हैं चले साहब ये क्या तरीका है हम और कितनी देर इंतजार करेंगे आपके दोस्त का जानू थोड़ी देर और इंतजार कर लो महमूद अंकल का तुम्हारे कब से अंकल हो गए वो नबी जानू जब से मैंने महमूद साहब से सुना है कि उनके पास 4-4 अपनी कारें हैं उधर मुझे तो बड़ी भूख लग रही है बलावल और तुम तो चुप करो मोमो बेताब आ जाओ घर में कोई नहीं है खुलकर रोमांस करेंगे पापा
तक तेरे बाप की यही हरकतें ना बुलबुले बंद करा के रहेंगी। अरे मेरा दोस्त आ गया। अरे महमूद अंकल आ गए। मेरे दोस्त। यार तू बड़ा मोटा हो गया भाई। अरे तू भी तो कितना बुड्ढा हो गया है। तो मैं अभी तक जवान हूँ। ये कौन? ये मेरी बहू का शौहर है। तेरा बेटा? नहीं नहीं, मेरी बीवी का बेटा। यार ये बात मेरी समझ में नहीं आई और ना हजम हुई। यार तू अंदर तो आना। अरे मैंने पहले तू मुझे ये बात समझा। और यार तेरी भाभी ने दो शादियाँ की हुई है। है? वो तुझे कैसे पता? ये बात तो हमने आज तक किसी को नहीं बताई। अरे तेरी भाभी मतलब मेरी बीवी मोमो। ये कौन? मैं इनकी भाभी हूँ। ये मेरी बीवी है और वो जो सामने बैठी है ना वो मेरी बहू है। खूबसूरत। खूबसूरत अंकल मेरी बीवी है। बेचारी। आना कुछ चाय ठंडा तो हो जाए। मैं सब हमने निकलना है। अरे दो मिनट तो ठहरो यार, आना चाय तो पिए। और नहीं यार चाय ठंडे की कोई जरूरत नहीं। Are you sure? ओ खाने का वक्त है यार, खाना खा के जाऊंगा। आप पिला ले चाय ठंडा, चले अब खाना खिलाए उनको। क्या हुआ निकले? नहीं बबलू अभी तक आवाजें आ रही है। जा क्यों नहीं रहे ये लोग? पता नहीं बबलू। आपके इस दोस्त के चक्कर में ना पापा जी वाले 5,000 रुपए जो है ना खर्च हो गए खाने के। अरे फिक्र नहीं करो, ये बहुत खुले दिल का मालिक है, ये बहुत ज्यादा पैसा हम पे खर्च करेगा। हैं? महमूद अंकल और लेना। ले रहा हूँ ले रहा हूँ। भाभी आप भी तो लीजिए ना। मैं क्या लूँ, सारी चिकन तो आपने अपनी प्लेट में डाल ली है। भाई भाभी तो बहुत अच्छा मजाक कर रही है। मजाक तो आपने किया है हमारे साथ। अरे ये तो शुरू से बहुत मजाक किया है। यार मुझे घर बड़ा शानदार है तेरा। ये घर महमूद साहब का है? देखा मेरी बहू को ही पता है। चुप करके खाना खा फौजिया। लेकिन माँ जी। बस यार महमूद ये सब ऊपर वाले की मेहरबानी है। 4 घर थे मेरे कराची में, बेच के यहाँ आ गया हूँ। बस कर दे महमूद साहब बस कर दे। और खाने दो यार आज मेरे आने की खुशी में से मदरों को। तुझे तो पता है ना यार कराची के हालात। हाँ बे बहुत खराब है। बस यार इसीलिए मैंने फैसला किया है कि लाहौर ही में कोई जमीन वगैरह लेके कोई फैक्ट्री लगा लो। और महमूद साहब बस कर दे, पेट भर गया। वो जो भर गया है वो पेट है। हाँ जी। अच्छा जी। मजा आ गया, मैं खा चुका हूँ। अरे भूख क्यों मर गई है तुम्हारी? ये मैं तुम्हें बताऊंगा। चल किसी दिन आराम से बैठ के बात करेंगे। अबे किसी दिन क्यों, आज ही बात करेंगे बैठ के। आज? हाँ भाई आज ही। चलो चल के बाहर बैठते हैं और बात करते हैं। भाभी जान एक कप चाय। महमूद साहब भी हद करते हैं यार, अगर अपने दोस्त को बुलाकर घर पे ही बैठना था तो हमारा मूड क्यों बनाया था। खबरदार जो मेरे मियाँ को कुछ कहो, चल जल्दी से चाय बनाओ। माँ जी आपके मियाँ के दोस्त आए हैं, आप खुद चाय बनाएं। नबील तुम इन लोगों को रहने दो, हम चलते हैं। कैसे चलते हैं जानू, बड़ी मुश्किल से पापा जी से 5,000 रुपए पकड़े थे, वो तो सारे खाने पे लग गए हैं। क्या? हाँ अब तो महमूद अंकल ही हमें बाहर घुमाने लेके जाएंगे। लेकिन कब जाएंगे यार, बच्चे भी वेट करते करते सो गए। अच्छा है ना जानू, बच्चों को तुम्हारे पापा के पास छोड़ के चले जाएंगे। शट अप नबील। ओके जानू। देख यार कितना वक्त गुजर गया। 25 साल गुजर गए यार, लेकिन तू मेरे काम बहुत आया। मुझे एक एक चीज याद है साले। मुझे भी। और याद है तू अपनी पहली डेट पर मुझसे 200 रुपए लेके गया था और मेरे अब्बा की गाड़ी भी। हाँ याद है, बड़ी अच्छी तरह याद है। और याद है वापसी पर मैंने तेरे अब्बा की गाड़ी ठोक भी दी थी। और उस वक्त 10,000 रुपए का खर्चा हुआ था उस पे। और वो जो कैंटीन वाले से झगड़ा हो गया था मेरा वो। अरे झगड़ा क्यों नहीं होना था मेरे यार, पूरे 6 महीने का बिल देना था, ये 8,000 मैंने पे किए थे। अरे मुझे सब याद है, सब याद है। अरे मुझे तो वो भी याद है जब मैंने वो 50 बाइक खरीदी थी, तूने 9,000 उसमें भी डाले थे। अरे साले 1,25,000 रुपए खर्च करवाए थे तुमने उस वक्त। हाँ करवाए थे यार, करवाए थे। और उस वक्त डॉलर 9 रुपए का था। हाँ यार 9 रुपए का था और अब देख कितना महंगा हो गया है, 99 रुपए का। हाँ आज के हिसाब से लगाओ तो 15,00,000 रुपए खर्च हुए थे तुम। हाँ यार बिल्कुल ठीक कह रहे तू, 15 लाख तो बन ही गए होंगे। तो फिर निकाल मेरे 15 लाख। अरे साले तेरी मजाक करने की आदत गई नहीं। मेरे 15,00,000 रुपए निकाल,
कैसी बातें कर रहे हैं यार? और कैसी क्या है, अभी तो तुमने सारी बातें मेरी मानी है ना, कि ये पैसे तुम पे खर्च हुए हैं। हाँ, वापस करना मेरे 15 लाख। यार महमूद, तू इतना बड़ा आदमी होकर इतनी छोटी बातें कर रहा है? और कैसा बड़ा आदमी, कनाडा में मेरा सारा कुछ बर्बाद हो गया, बेबी ने धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। और मैं पाकिस्तान में आया ही इसलिए हूँ कि जिन दोस्तों पे मैंने अपनी जिंदगी में पैसे खर्च किए थे उनसे वापस ले सकूं। मैं कहाँ से दूंगा 15 लाख यार? और अभी तो तुमने बताया कि तुम्हारे पास बड़ी जायदादें हैं और तू फैक्ट्री लगा रहा है लाहौर में, मेरे 15 लाख नहीं दे सकता? महमूद यार, वो तो मैं मजाक कर रहा था कसम से। अरे मेरे पास तो 1500 रुपए भी नहीं है, ये घर भी नबील के सुसर का है। ओए मोदी, ऐसी बातें मत बोल, मैं यहाँ से पैसे लिए बगैर नहीं जाऊंगा, वरना जेल भिजवा दूंगा तुम्हें। महमूद मेरे दोस्त। और भाड़ में क्या दोस्त, मुझे पैसे निकाल मेरे 15 लाख रुपए। नबील, हेलो। जी बाबा जी। नबील बेटा, मीनारे पाकिस्तान पहुंच गए क्या? नहीं पापा जी, अभी तो हम लोग घर पे हैं यार। यार कब जाओगे? पापा जी थोड़ी देर में निकल रहे हैं बस। ओके खुदा हाफिज़, बाय। सब क्या हो गया यार, और कितना टाइम लगेगा आपके दोस्त को जाने में यार? वो नहीं जाएगा नबील। क्यों नहीं जाएगा? वो कमीना ना मुझसे पैसे लेने आया है। कौन से पैसे महमूद साहब? वो जो जवानी में उसने मुझ पर खर्च किए थे। What? उस जमाने में ना उसने मुझ पर 1-1.5 लाख खर्च किया था, जो आजकल के 15 लाख के बराबर है। ये कैलकुलेशन यकीनन जेजे ने करके दी होगी उसे। नबील वो मुझे कह रहा है कि अगर मैंने उसे पैसे नहीं लौटाए ना, वो मुझे जेल भिजवा देगा। जानू मेरा ख्याल है हम दोनों घूमने चलते हैं, क्योंकि महमूद साहब का कहीं और जाने का प्लान है। नबील नबील ऐसा मत करो, मुझे सामने से बचा लो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। ओए ऐसा भी क्या है महमूद साहब, आए मेरे सामने देख लेता हूँ। जब मैं आया हाँ भाई। महमूद अंकल मसला क्या है? मसला कोई नहीं है, सीधी सीधी सी बात है। क्या? मैंने इस घटिया इंसान पर 1-1.25 लाख रुपए खर्च किए जवानी में। हाँ। उस वक्त $9 का था। ये भी ठीक है। और अब $99 का हो गया, इस हिसाब से 15 लाख रुपए हो गए। 15 लाख कैसे हो गए यार, ये तो 11 लाख रुपए बने। हाँ, ये तो 11 लाख रुपए बनते हैं। चल निकाल 11 लाख ही निकाल। चले मैं मुझसे 11 लाख रुपए निकाल के शख्स के मुंह पे मारे और इसे बारे करें यार। यार नबील, ये तुम मुझे बचाने आए हो या फंसाने आए हो? अरे मैं क्यों बचाऊंगा आपको, एक तो आप अपने दोस्त के पैसे खा गए, ऊपर से मुकर रहे हैं। और यार महमूद अंकल आप फिक्र ना करें, मैं इस कमीने शख्स से आपके 11 लाख रुपए लेके भिजवाता हूँ। चलिए कहा, मैं आ गया हूँ, अब नहीं मैं जाने वाला कहीं, और मैं जाऊंगा भी कहाँ, मेरे पास तो रहने की जगह नहीं है। नबील मैं मुसाब यार, डरने की क्या जरूरत है, इस आदमी के पास क्या सबूत है किसने आपको पैसे दिए? हाँ, मैं जानता था ये घटिया इंसान मुकर जाएगा, इसीलिए मैंने ये सारी बातें रिकॉर्ड कर ली है। बेटा अब तू जाएगा जेल। महमूद साहब मेरा ख्याल है हम अंदर चल के डिस्कस कर लेते हैं। वो जो हमने अंदर चल के करना है वो डिस्कस है। हाँ तकरीबन। एक्सक्यूज अस अंकल मुदा, आइए प्लीज आइए आइए। साहब आप रो रहे हैं या आपको कोई तकलीफ है? अब क्या करें यार? ओ यार महमूद साहब प्लीज यार, आप जो है ना वो जेल चले जाएं यार, मुझसे इतनी टेंशन में नहीं आ जाता, मुझे वैसे भी समझ नहीं आ रही करना क्या है। यार नबील ऐसी बातें मत करो यार, कोई हल निकालो। नबील कोई हल निकालो, उस आदमी को घर से निकालो यार। ओके जानू मैं निकालता हूँ उसको घर से बाहर। साला हमें ब्लैकमेल कर रहा है, नबील को ब्लैकमेल कर रहा है, अभी देखता हूँ। जी पापा। खूबसूरत बेटा तुम लोग निकल गए क्या? नहीं पापा अभी तो नहीं। क्या? दुआ करो मम्मू कि नबील उसको घर से निकालने में कामयाब हो जाए। आप फिक्र ना करें फिरूक, मेरा पुत्र ना उस आदमी को इस घर से दिक्के दे दे के बाहर निकालेगा। आइए आइए चल आइए, ये बिल्कुल आपका अपना घर है, फील एट होम। चले मैं आपको आपका कमरा दिखाता हूँ, ऊपर है आपका कमरा। ओए मोदी पैसों का इंतजाम करके रखना। ओके आइए आइए आइए। महमूद साहब ये क्या हो रहा है इस घर में, नबील तो इस आदमी को घर से बाहर निकालने के लिए गया था। मुझे क्या पता खूबसूरत। लो जी महमूद साहब मैंने उस आदमी को कमरा दिखा दिया,
अब सोचते हैं उसे निकालना कैसे। अभी तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? बजाय उस आदमी को घर से निकालने के तुमने उसे घर में कमरा दे दिया। जानू वो तो जा ही नहीं रहा था, उसके पास तो रहने की जगह ही कोई नहीं है। अरे तो किसी होटल में जाके ठहराते। जानू वो होटल में ठहरने का किराया मांग रहा था। क्या? हाँ जानू, कह रहा था जब तक मेरे पैसे नहीं देते हो ना मुझे किसी अच्छे से होटल में ठहराओ, और तुम्हें पता है किसी अच्छे होटल में ठहराने का कितना किराया होता है, 8-10 हजार रुपए। इसीलिए मैंने उसे इस घर में जगह दे दी है, 5 हजार रुपए पर डे पर। क्या? नबीली मेरे पापा का घर है, कुछ सराय नहीं है। अगर पापा को पता चल गया ना तो सबको घर से बाहर निकाल देंगे। तुम फिक्र मत करो जानू, मामू साहब पापा जी को पता चलने नहीं देंगे। क्यों मामू साहब? पापा जी बाबू जी आज नीचे, हम लोग कहीं नहीं जा रहे, खाना खाते हैं। क्या? हाँ पापा जी, बाहर से खाना मंगवाया, काफी सारे पैसे लगे हैं, पैसे लेकर आइएगा। हाँ जी। नबील मैं तंग आ गई हूँ तुम्हारी इन हरकतों से। तुम्हारा और तुम्हारी फैमिली का बोझ क्या कम था पापा के ऊपर, जो अब कर्जदारों को भी ला के उनके ऊपर रख दिया। जानू ये सब कुछ मैंने पापा जी के लाखों रुपए बचाने के लिए किया है। क्या? हाँ देखो, अगर महमूद साहब को जेल होती तो मैं तुम्हारे पापा से पैसे लेके महमूद साहब को छुड़वाता, और उस आदमी को तुम्हारे पापा को पैसे भी देने पड़ते, और फिर पापा जी को उस आदमी को कर्ज भी चुकाना पड़ता। बकवास बंद करो नबील, कुछ भी करके निकालो इस आदमी को घर से। अब देखो कौन आ गया। देखता हूँ यार। ओ यार आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरे कमरे में वॉशरूम नहीं और मुझे सोना है। वॉशरूम में सोना है आपने? वॉशरूम से फारिग होके सोना है मुझे, जल्दी से वॉशरूम बताओ। क्या मुसीबत है यार, अच्छे चले आ रहे हैं। अरे नबील तुम इसको कमरे में क्यों लेकर आ गए हो? जानू मैं इनको कमरे में नहीं लेके आया, मैं इनको बाथरूम लेके जा रहा हूँ। ये बाथरूम, ये बाथरूम। जी जी जी। क्या कर रहे हो अंदर? मैं गाड़ी ठीक कर रहा हूँ अंदर, यार मेरा पेट खराब है। चल यार चल, सवार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। उस बार की देखी जाएगी पहले, उस बार निकलते हैं। यार बबल बनाए जलता जा, कोई जाए जाए जलता जा। मामा मामा जानू, आपकी वजह से मुझे सारी रात सोफे पे बितानी पड़ेगी मामू साहब। यार नबील मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इस आदमी को कब तक तुम्हारे पापा से छुपाएंगे। पता नहीं यार क्या करें मामू साहब। चोर से याद है क्यों आपके दोस्त को चोरी के इल्जाम में अंदर करा दे। हाँ बिल्कुल ठीक है, चार है, चलो सवार चलो। चोर नहीं। अच्छा मैं चोर। अच्छा ये चोर नहीं है, और रात को यहाँ बंटे खेलने आया था, और तुमने खुद मुझे। पापा जी इससे पहले कुछ और बोले इसकी तुन्नी में गोली मारे। और तुम दोनों हट जाओ, मेरा निशाना पक्का लग जाए। मोदी के बच्चे। चल यार चल, उस पार चल। वतन से दूर लेकिन फिर भी अपनों के पास, खुशियाँ और मोहब्बतें बांटे अपने प्यारों के साथ। पिछले 10 सालों से आपकी मोहब्बतों में शरीक सहूलत बाजार अब ला रहा है एक नई सहूलत। जी हाँ, सालगिरह का केक हो या फिर शादी का मुकम्मल जहेज, मुल्क से दूर बैठ कर रहे अपनों के पास, आज ही बांटें अपनी खुशियाँ अपनों के साथ। तो अभी विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट सहूलत बाजार.com या फिर डाउनलोड कीजिए सहूलत बाजार ऐप।